तो वो कुछ उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका धंधा था वो, तो वो चले गए, उनकी तो बात दूसरी हुई। लेकिन इस प्रकार के इतने विक्षिप्त लोग गुरु बन गए हैं और लोग जाके उन्हीं के चरण छूते हैं। तो ये जो चरण छूने की जो बीमारी है, पहले आप ये तय कर लें कि हम अगर किसी के चरण नहीं छूते हैं और तब अगर गुरु हमसे खुश है, तब वो असर है, वो आपको अपना गुलाम बना लेगा। कैसी कैसी बातें आपको समझाएगा कि जिससे आपसे वाह 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 क्या बात है। कुछ कहेगा कि तुम्हारे बाप कैसा हुआ, तुम्हारे माँ कैसा हुआ, ये तो कोई भी बता सकता है। इसको मन कवड़े कहते हैं, ये लोग मन की बात बता सकते हैं। एक तरह के ये भी पिशाच विद्या और गंदी विद्या करते हैं, मैली विद्या, और उससे वो ये सब काम करते हैं। उससे आप लोग अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन समझ लीजिए, किसी ने आपसे बातें बताई भी तो उसमें क्या विशेष मिल गया? उससे कोई आपके अंदर परिवर्तन आया, या आपके अंदर आनंद आया, या उससे कोई आपको सुख मिला? आपको खुद सोचना चाहिए कि इससे कौन सा सुख मिला है। अभी हमारे पास ऐसे बहुत से ये गुरुओं के मार खाए हुए लोग आते हैं, जिनके कि घर लूट गए, बच्चे बिगड़ गए, सब दुनिया बर्बाद हो गई। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए इनके शिष्य कैसे, उनकी आदतें कैसी हैं। उनके शिष्य तो दुनिया भर के धंधे करते हैं और कहने लगे कि बाबा ने मुझे अंगूठी दे दी। अरे भाई, फायदा क्या उस बाबा की अंगूठी का अगर आप धंधों से नहीं बचते? और डबली धंधे करते हैं, तो हमने कहा कि अगर आप इतने धंधे करते हैं तो ये बाबा की अंगूठी का फायदा क्या? कहले इससे एक फायदा है, कुछ भी करो कुछ नहीं होता। मैं कहा वाह। उसके बाद 2 साल बाद हार्ट अटैक आ गया और वो चले गए, सुधार गए अपने आप। तो इन चीजों की तरफ आपको अपनी बुद्धि थोड़ी सी तो भी लगानी चाहिए और सोचना चाहिए इससे हमें क्या प्राप्त हुआ। फिर कोई कहेगा चलो ये साधना कर, साधना कर रहे हैं, आज करी, दूसरे साल करी, तीसरे साल करी, चौथी साल साधना करते रहो, उससे फायदा क्या हुआ? आपका क्रोध उससे ठीक नहीं हुआ, आपकी तबीयत उससे ठीक नहीं हुई, उल्टे आप बीमार पड़ गए। तो फिर वो लोग कहते हैं कि देखो भाई, गुरु जो है वो थोड़ा सा आपको आशीर्वाद दे सकता है, पर आपके सारे कर्म तो नहीं खा सकता, तो फिर ऐसे गुरु को पालने की क्या जरूरत है? इस प्रकार आपका गुरु तत्व खराब हो जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से कैंसर के पेशेंट्स गुरु तत्व खराब होने से होते। कम से कम जिन कैंसर को मैंने ठीक किया है उसमें से कम 80% लोग गुरु के ही मातहत पाए। गुरु नहीं तो कोई भूत विद्या, नहीं तो कोई तांत्रिक, नहीं तो कोई इसी तरह का प्रकार। अब ये तो विचक्राफ्ट वगैरह तो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा चल पड़ा है, वही लोग कैंसर को पाते। और इस कैंसर को भी ठीक करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब इस भूत विद्या से कोई ऐसा असर आता है, अगर आपको ये मालूम है कि इस आदमी को उस चीज से हटाना कैसे, वो आदमी ठीक हो सकता। तो कैंसर अगर आपको हुआ है तो सहयोग में आकर के ठीक है, आप ठीक हो जाए, पर आप अभी ठीक हो जाइए जिससे कैंसर ही ना हो आपको, वो बेहतर बात है। खासकर गुरु तत्व खराब होने से हमारा यहां पर जो 11 एकादश रुद्र है, एक चक्र यहां है, वो पकड़ जाता। और जब ये पकड़ जाता है तो समय देना चाहिए कि कैंसर की शुरुआत होगी। अब आपको मैं बताती हूँ कैंसर कैसे होता है, समझने की बात है। अब आप डॉक्टर हो या नॉन डॉक्टर हो, बहुत आसानी समझ सकते हैं कि हमारे अंदर 2 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट और राइट, और दोनों कार्यान्वित होती है। एक से लेफ्ट से शक्ति जाती है, एक राइट से शक्ति जाती है। जब हम कोई काम को करना चाहते हैं, जैसे हमें अपने हृदय के ठोके बढ़ाने, तो हम दौड़ेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हम कर लेते हैं। पर जिस वक्त वो शांत होता है और अपने नॉर्मल स्थिति में आता है, वो पैरासिंपैथेटिक से आता है, वो बीचों बीच। सो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये टूट जाता है, ये चक्र है बीच, ये टूट गया तो ये इधर बहने लग गया, और इसको कहते हैं कि अपने आप ही चलने लग गया, क्योंकि इसका संबंध जिससे कंट्रोल करने का है वो ब्रेन जो है उससे संबंध ही टूट गया इस चक्र का। अब आपको तकलीफ होने लग गई कैंसर की, कैसे
कि ये ऐसी आपकी, अभी इसको कहते हैं वल्नरेबल, माने इस वक्त आपकी तैयारी है कि आप कैंसर पाले। कोई अतिकर्मी आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई भी एक आदत का आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई सी भी चीज से आप रगड़ खाते हो उसे कैंसर हो सकता है, वल्नरेबल। पर फिर लेफ्ट साइड से, यही जो मैंने आपसे कहा था कि अपने अंदर जो कुछ मरा हुआ है, जो भूतकाल में हुआ है, शुरू से अनादिकाल से जब से यह सृष्टि बनी तब से हमारे अंदर लेफ्ट साइड में है, उसमें से अगर कोई चीज अंदर घुस आए तो वही कहते हैं कि शुरुआत करता है, ट्रिगर करता है उसको। डॉक्टर लोग प्रोटीन 53 या प्रोटीन 58 कुछ भी नाम दीजिए, नाम बस दे देते हैं। अब ये हमारे हिंदुस्तान में तो गुरुओं की बीमारी है, लोगों हर गांव में जाओ तो वहां ये गुरु है तो वो गुरु, फिर काशी के गंडे दोरे तावीज ये सब चलते हैं, हाथ में माला दे देंगे आप रटते बैठे रहिए, इसको रटने से विशुद्धि चक्र में माने आपके थ्रोट में हो सकता है, फिर मंत्र दे देते हैं, मंत्र देने से भी आपको कैंसर हो सकता है। जिस चीज का आपको मंत्र देंगे समझ लीजिए आपको विशुद्धि चक्र का दिया या नाभि का मंत्र दे दिया, समझ लीजिए, और आपका विशुद्धि चक्र खराब है तो क्या फायदा नाभि के चक्र से। और दूसरी बात ऐसी भी है कि अब शिव जी का मंत्र दे दिया किसी, शिव तो हृदय में रहते लेकिन आपका संबंध नहीं है और आप शिव 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 कहने लगे, तो जैसे कि कोई समझ लीजिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं तो आप जाकर के और उनके नाम से पुकारना शुरू कर दें तो पुलिस आपको पकड़ लेती है, ऐसे ही शिव स्वयं ही नाराज हो जाते हैं आपसे, क्या वो आपकी जेब में बैठे हर समय उनको परेशान करते रहते हो, तो आपका हृदय पकड़ जाएगा और सारे शिव भक्तों को हार्ट अटैक आता है। उसी तरह गुरु तत्व को जो लोग महाराष्ट्र में बहुत है, यहाँ जरा कम है गुरु तत्व, उसको जब वो गुरु महिमा पढ़ते हैं, गुरु का ये पढ़ते हैं वो करते हैं, तो आप पहचान लेंगे कि इनके वो पेट की तकलीफ है। आप कहिए आप गुरु को मानते हैं, हाँ, आप दत्तात्रेय को मानते हैं, हाँ, आपको पेट की तकलीफ है, हाँ। जिस चीज पे आप इस तरह से लग जाते हैं उसी की आपको तकलीफ हो जाती है। अब हनुमान जी का यहाँ बड़ा जोर है वो भी अच्छी बात है, पर हनुमान जी कोई आसान नहीं, हनुमान जी से तो अभी योग घटित हुआ नहीं आपका, और हनुमान जी का चालीसा पढ़ने से आपका राइट हार्ट पकड़ जाता है, श्री राम और सीता हनुमान जी किसी का भी नाम लेने से राइट हार्ट पकड़ जाता है और उसकी वजह से आपको आस्थमा होता है। आस्थमा हो ही जाएगा ये मैं आपको बता, आप छूट नहीं सकते क्योंकि आपका राइट हार्ट पकड़ है। फिर इसी प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जिसको आप रटते रहते हैं, पर इसमें एक और चक्र पकड़ता है वो है लेफ्ट विशुद्धि, क्योंकि मंत्र के कहने से जबकि आपका कनेक्शन नहीं है तो लेफ्ट विशुद्धि भी पकड़ता है। इसका साधारण एक उदाहरण ये बताया कि जब तक आपके फोन का अगर कनेक्शन नहीं हो और आप फोन ही घुमाते रहे तो फोन खराब हो जाता है, उसका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और जब तक ये कनेक्शन नहीं होता है अगर आप ऐसा ही द्राविड़ी प्राणायाम करते रहें तो आप इंसान है इतने नजाकत से और इतने प्रेम से परमात्मा ने आपको संवारा है, बनाया है, वो नाजुक चीज है, उसे आप क्यों रगड़ रहे हैं। फिर बहुत से गुरुओं का ये भी है कि तुम सोमवार करो, मंगल करो, बुध करो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब का, और रविवार को सारा पैसा लाके मुझे दे दो। खूब अच्छे से उपास करो भाई, ऐसे परमात्मा कैसे कह सकते हैं कि आप अपनी अगर मां से नाराज हो तो कहते आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया सारा घर खराब हो जाता। ये तो परमात्मा को नाराज करने का तरीका है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मेरा आज उपवास है, और उसमें भी उल्टापना बहुत, यानी अंधश्रद्धा की हद है। उल्टापना ऐसा है कि जिस दिन जन्म होता है भगवान का उसी दिन उपवास करो, माने उस दिन कोई सूतक है क्या, उस दिन कोई मर गया। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।